오이! 버스! 아완디제! मौजूद है बेसिकली पेट्स क्लैन के वेंचर पे। पहले तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दी चलूँ, मेरा नाम है असफा हबीब और आप लोग मौजूद हैं पेट्स क्लैन के वेंचर पे। बेसिकली पेट्स क्लैन जो है वो पेट्स पर काम करता है, एनिमल्स पे काम करता है और मुझे ख़ुद भी पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा लगाव है पेट्स से। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर आएँ और इस तरह का सेगमेंट लेकर आएँ जो कि आप लोगों को बता सकें बेसिकली कि एनिमल्स आप लोग किस तरह पाल सकते हैं और उनको किस तरह रख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बेसिकली पेट्स क्लैन का जो कैनल है उसमें और आगे हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स और कौन कौन से डॉग्स इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, हम लोग मौजूद हैं पेट्स क्लैन पर और हमारे साथ मौजूद है मदिया हबीब जो कि पेट्स क्लैन की फीमेल ओनर है और हमें ये बताने वाली है शेफर्ड्स के बारे में कि क्या इनकी हैबिट्स होती हैं और ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इनके क्या रूटीन लाइफ है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस तरह इनकी केयर की जा सकती है। जी मदिया जी, शेफर्ड्स जो है वो काफ़ी दुनिया की जो मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। अभी से नहीं बल्कि बहुत अरसे से शेफर्ड हमेशा से क्लासिक डॉग रहा है और आइडियल फॉर गार्डनिंग, आइडियल फॉर बीइंग अ फैमिली मेंबर। यूजेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो शेफर्ड्स की दो किस्म के कैटेगरीज अभी मार्केट में होती हैं या लोग रखते हैं, एक शो लाइन कैटेगरी है और एक है वर्किंग लाइन कैटेगरी। वर्किंग लाइन आप देख सकते हैं पुलिस डॉग्स और मिलिट्री के अंदर और शो लाइन जो है वो आप ये जैसे कि लोग जो शौकीन लोग होते हैं वो रखते हैं अपने पास, शोज में उतारते हैं उनको, शोज खिलवाते हैं वो प्रॉपर उसके वो लोग कम्पीट करते हैं वो डॉग्स। सो इट इज़ यूज एज अ स्पोर्ट एज वेल। टेम्परामेंट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परामेंट इनका थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, एग्रेसिव होते हैं, टेरिटोरियल होते हैं। जो मेल शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी के बाद मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं और जो फीमेल शेफर्ड्स होती हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। लेकिन दोनों ही जेंडर्स जो हैं वो इस गार्डिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसके अंदर कोई टेम्परामेंट इनका चेंज नहीं होता और फीमेल ज़्यादा लविंग होती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फीमेल्स हम लोग रखते हैं और कोई मतलब इंस्टिंक्चुअल लेवल पर सारे एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, एल्सेशियन और जर्मन शेफर्ड का डिफरेंस बता दें क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मिलते जुलते हैं एल्सेशियन भी और जर्मन शेफर्ड भी, तो आपको मतलब आप मुझे बताएं कि इनका डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। शेफर्ड की जो ब्रीड है ये बहुत पुरानी ब्रीड है, ये इसके अंदर बहुत एवोल्यूशन हुई है और जैसे आप अभी देख रहे हैं ये वैसे होते नहीं थे, यानी इनकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले जो शेफर्ड्स जब ब्रीड करवाए गए थे इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता था आज के शेफर्ड के स्ट्रक्चर से। स्ट्रेट बैक्स होती थी इनकी, लीन होते थे, लंबाई में ज़्यादा होते थे और एक्सट्रीमली हेल्दी होते थे क्योंकि स्पोर्टी होते थे और उन्हीं ओल्ड स्कूल शेफर्ड्स का वर्जन जो है आप वर्किंग लाइन्स में देखते हैं जो पुलिस और मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं। वक्त के साथ साथ सेलेक्टिव ब्रीडिंग हुई, डिफरेंट चीज़ें आती गई, लोगों ने कहा कि हमें कोट हैवी चाहिए, हमें जो कलर है इसका कलर हैवी, कलर इसका टैन ब्राउन की तरफ चाहिए, ब्लैक मास्क होना चाहिए। तो ये जब बायर्स की तरफ से ये बातें आती रही तो जो ब्रीडर्स हैं वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते रहे, तो ये एक नई ब्रांच निकल कर आई जिसको हम शोलाइन शेफर्ड्स कहते हैं। एल्सेशियन और शेफर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि जिस टाइम पर इन डॉग्स की सबसे ज़्यादा यूज़फुलनेस डिस्कवर हुई वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस टाइम जर्मनी और जो अमेरिका की फोर्सेस थी वो एक दूसरे की दुश्मन थी, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस ज़माने में अल्सेस का मुकाम था जहाँ पर ये वॉर लड़ी जा रही थी और अमेरिकन भी इस कुत्ते को उतना ही अफेक्टिव समझ रहे थे जितना जर्मन्स, क्योंकि जर्मन्स ने ये डिस्कवर किया था, जर्मन्स यूज़ कर रहे थे बट वो जर्मनी का नाम नहीं लेना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको एल्सेशियंस कहना शुरू कर दिया उस जगह के। एल्सेस फ्रांस के अंदर आती थी जगह, फ्रांस या इटली के अंदर। अच्छा, इनकी जो एग्रेशन आता है बेसिकली बहुत सारे डॉग्स हमने देखे जर्मन शेफर्ड्स पाकिस्तान में पाले जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के डॉग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या वो लोग इतना फ्रेंडली नहीं होते, तो उनका ये एग्रेशन क्यों होता है? देखिए, जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग है, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस डॉग टू बी फ्रेंडली, लेकिन इसकी ये फ्रेंडली से ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे कि ये इनकी एक नेचर है,
कि ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ये स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो नेचर इंटैक्ट रहनी चाहिए, वरना वो जर्मन शेफर्ड का जो अपनी एक ब्रीड का करेक्टरिस्टिक है वो उसके अंदर नहीं है, कोई कुछ ना कुछ मसला है। जो ये होता है डिसिप्लिन, अगर एक डॉग नहीं होगा तो अगर आपके घर में कोई आता है, कोई फैमिली आती है, वो बेल बजती है तो वो पागलों की तरह आपसे पहले भाग रहा है और वो दरवाजे की तरह मुंह के भौंक रहा है, भौंके, सही है, वो आपको बताए कि कोई आया है, लेकिन उसके जब आप कमांड दें कि स्टॉप या नो कम बैक, तो वो वापस आ जाए, ठीक है। अब ये जो है लैला, ये कमांड्स के ऊपर चलती है थोड़ी सी, अभी आजकल गर्मियों की वजह से आप देख रहे हैं कि इसके बाल कम हुए हैं, सर्दियों में अपना कोट भी हैवी कर लेती है, और ये इसके अंदर दोनों ब्रीड्स शामिल हैं, वर्किंग लाइन और शो लाइन, दोनों का ये मिक्सचर है, तो जब भी इसके अंदर थोड़ी सी शो लाइन वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, बोन स्ट्रक्चर वगैरह, और वैसे जो है वर्किंग लाइन वाली खसूसियत, अलर्टनेस, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेन कैसे करते हैं, शेफर्ड जो है अगर आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को करेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा कि यार उसको लगता है कि उसको भागना चाहिए हर वक्त, उसको लगता है उसको हाइपर होना चाहिए, उसको लगता है चीज पे भोंकना चाहिए, नहीं, आप इसको बताएंगे इसको क्या करना चाहिए, आप इसको बताएंगे कब रुकना है। अच्छा, गर्मियों का सीज़न है और मतलब टिक्स वगैरह या इन जो उनकी टिक्स वगैरह होती हैं तो ये काफ़ी जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या मेजर्स जो हैं वो लेते हैं टिक्स वगैरह को ओवरकम करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, आप उनका उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हर गर्मियों में टिक्स होते हैं और हर टिक्स का और फ्लेयर्स का एक सीज़न होता है, जैसे मार्च अप्रैल से ये स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के आते हैं और ये थ्रू आउट द समर्स अगस्त तक ये चलते रहते हैं, अगस्त के बाद इनका ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है तो ये वापस हाइबरनेशन मोड में जाते हैं और ये कुत्तों की जान छोड़ देते हैं, लेकिन इस दौरान गर्मियाँ क्योंकि हमारे यहाँ लंबी होती हैं तो ये जानवर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। टिक्स से बचाव का तरीका ये है कि आप डॉग को ज़्यादा गीला ना होने दें, मतलब वो ऐसी जगह ना बैठे जहाँ मिट्टी, घास और गीलापन ज़्यादा हो, सही है, क्योंकि कुत्ते की फितरत है कि वो पानी गिरा के गीली जगह बैठना पसंद करता है। डेली आप अपने कुत्ते को नहलाएं, उसको चेक करें, जब वॉक से लेकर आएँ तो उसके पॉज वगैरह चेक करें, नेचुरल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर होता है, जब आप इसको नहला रहे हो तो आप उसके बकेट के अंदर हाफ कप या एक कप पूरी बाल्टी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, उससे क्या होगा कि वो रिपेल करता है, नेचुरली टिक्स को रिपेल करता है और उससे कोट और स्किन जो है वो अच्छी होती है। दूसरा एक तरीका ये है कि नेचुरल जो रेमेडी है कि आप इनके खाने में रोज़ एक जो लहसुन होता है गार्लिक, उसका एक क्लोव यानी जवा, एक जवा उनके खाने में ऐड कर दें, उसकी स्मेल भी इनके जो पसीना होता है या जो ये इनकी बॉडी है उसको डिस्चार्ज करती है, रिलीज़ करती है, तो वो टिक्स के लिए रिपेलेंट होता है, नेचुरल रिपेलेंट। इसके अलावा अगर आप मार्केट में बहुत सारी रिपेलेंट प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने जैसे स्प्रेज ऐसे मार्केट में मिलते हैं वो अगर आपने स्प्रेज किए हैं, अगर कुत्ता आपका चाट लेता है उसको, तो वो उसके लिए टॉक्सिक है, उसकी नाक में या कान के अंदर या उसकी बॉडी फ्लूइड में किसी तरह वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके लिए टॉक्सिक है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि सिर्फ उसकी कोट पे अप्लाई करें, अपने सामने बिठा के करें और कुत्ते को ज़्यादा चाटने ना दें अपने आप को, और फिर उसके बाद फ़ौरन नहला दें। तो ये कुछ तरीके हैं। जगह की सफाई रखें, फिनाइल, ब्लीच, ये ब्लीच तो नहीं, फिनाइल जो है वो आप इस्तेमाल करें सफाई के लिए, ताकि फ्लोर पर एटलीस्ट जुए ना हो, टिक्स ना हो। असल में इसमें इस ब्रीड में इतनी इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं कि शेफर्ड्स को अनफॉर्चुनेटली ब्रीड करना आज के दौर में इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट डे बाई डे, क्योंकि जीन में म्यूटेशंस हैं। तो पुराने ज़माने में जब शेफर्ड होता था वो आराम से 12-13 बच्चों का लीटर, 11 बच्चों का लीटर देता था, उसकी बैली लंबी होती थी, हेल्दी होता था। आज का जो शेफर्ड है वो शो के हिसाब से ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है, तो उनकी ब्रीडिंग थोड़ी सी टफ होती है, इनकी केयर बहुत है, गर्मियों में ये हाइपर वेंटिलेशन इनकी बहुत होती है, आप अभी भी देख रहे होंगे कि ये लैला जो है ये मुसलसल हाँफ रही है, पेंडिंग कर रही है। गर्मियों में इनको ओवर एक्सर्ट ना करें, जो एक्सरसाइजेज वगैरह आपको करवानी है वो रात के टाइम करवाएं, शाम के टाइम, ठंडे टाइम, खाना इनको गर्मियों में और सर्दियों दोनों में अडल्ट जो डॉग्स हैं उनको एक दफ़ा दें। अच्छा, डाइट के हवाले से बता दें कि क्या डाइट देनी चाहिए इनको गर्मियों में और सर्दियों में? गर्मियों में हम लोग लौकी, चावल, चिकन और जो इनका केबिल होता है, जो डॉग फूड होता है इम्पोर्टेड हम लोग यूज़ करते हैं, वो आप इनको दें। अच्छा, हम लोग होम मेड फूड पर ज़्यादा रिलाई करते हैं,
वजह इसके कि हम बहुत ज़्यादा हैवी डॉग फूड दे रहे हो। डॉग फूड सिर्फ हम एक अरोमा के लिए या एक पैलेटेबिलिटी के लिए देते हैं कि डॉग आराम से खा ले, उसके अंदर से खुशबू आती है उसको, या अगर कोई चीज़ हम लोग कोई चीज़ की डेफिशिएंसी जो है वो गज़ा में होममेड फूड से हो रही हो, नहीं मिल रही हो उसको, तो वो पूरी हो जाए दूसरे वाले फूड से। अच्छा, ये जो शेफर्ड्स होते हैं इनमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, आपने वो तो बता दी, कलर भी वेरिएशंस आती हैं इनके, तो वो जो कलर की वेरिएशंस होती हैं वो होती हैं असल में? यार मैं बेसिकली थोड़ा सा पढ़कर आई थी तो मैंने पता लगा कि कुछ कलर्स भी होते हैं इनमें। देखिए शेफर्ड्स के अंदर कलर के अंदर जो है ये काफ़ी सारी वेरिएशन होती हैं, और उसमें जो कलर्स होते हैं वो आते हैं, सेबल कलर होता है, सेबल इन द सेंस कि लाइट ब्राउन हल्का सा ग्रे में मिला हुआ, वाइट की तरफ होते हैं वो। इसके अलावा टैन ब्राउन कलर होता है, टैन ब्राउन होता है कि बिल्कुल जो एक महोगनी की तरह का शेड होता है वो ब्लैक के साथ होता है, उसमें डार्क ब्राउन आ रहे होते हैं, रेड्स आ रहे होते हैं। ये जो है ये तकरीबन सेबल ब्लैक टैन ब्राउन का मिक्सचर है, इसमें तीनों कलर्स आ रहे हैं, ग्रेज भी आते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो कि एल्सेशियंस के अंदर आते हैं। लाला मेरे पास आओ, तो डिफरेंट इसके अंदर कलर्स आ रहे होते हैं। अब हमारे पास ये है कि इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस मौजूद हैं, आपके लिए मैं एक और एक वेरिएशन दिखा देती हूँ, ब्लैक शेफर्ड जिस जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, और उसको जो है आजकल ब्रीड भी किया जा रहा है पाकिस्तान में, वाइट कलर में भी होते हैं, फुल वाइट भी होते हैं, जो कि स्विस शेफर्ड जिनको कहा जाता है, उनका थोड़ा बोन स्ट्रक्चर पतला होता है। अगेन मैं बताया ना कि ये शेफर्ड्स की जो ब्रीड है इसके अंदर बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुई हैं और अभी तक हो ही रही है, तो मैं आपको भी अपना ब्लैक शेफर्ड दिखाती हूँ। हमारे पास दूसरा वेरिएशन मौजूद है जर्मन शेफर्ड का, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जानवर है ये, कितना शाइन कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, ये नहीं आई है मैंने सुना है। जी ये बिल्कुल अभी न्यू एडिशन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे पास आए हुए, और अभी हम इसकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करवाएंगे बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे इसको एडवांस ट्रेनिंग्स की तरफ। गार्डिंग पर हमने गार्डिंग वाला एस्पेक्ट जो है वो उसको थोड़ा सा रिफाइन करना है, और वैसे टेम्परामेंट में ये बहुत अच्छी है, अटेंटिव है और लविंग भी बहुत है, सुनती है बात, ओबीडियंट है, और दूसरा ये कि शोज़ वगैरह में हम इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इसको शोज़ वगैरह हम कंप्लीट करवाएंगे, उस हिसाब से भी थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग करनी है हमें। अच्छा, पेडिग्री और नॉन पेडिग्री काफ़ी कंफ्यूजन होती है मुझे इसमें, पेडिग्री नॉन पेडिग्री मुझे समझ नहीं आता ये क्या चीज़ होती है, तो इस टर्म को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, पेडिग्री नॉन पेडिग्री को। देखिए पेडिग्री जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, पहले मैं पेडिग्री को डिफाइन करती हूँ। पेडिग्री एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बताता है कि मैंने जो ब्रीड आप परचेज करने जाते हो आपको पेडिग्री मिलती है, तो उस पेडिग्री डॉक्यूमेंट से आपको पता चलता है कि इसके पेरेंट्स कौन थे, इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, इसके साथ कौन कौन से सिबलिंग्स हैं, और इनका जो एक नंबर होता है वो इसके साथ रजिस्टर्ड होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बट इनका एक पूरा फैमिली ट्री होता है। अच्छा, शेफर्ड्स के अंदर क्योंकि धोखे बहुत होते हैं, और लैब्स के अंदर भी यही है, क्योंकि जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में इतना पता नहीं चल रहा होता कि ये बड़े होकर क्या निकलेंगे, सही है, तो इसीलिए लोग पेडिग्री पे ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं कि इसमें एक ऑथेंटिक तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसका क्या फैमिली ट्री है। अगर पेडिग्री नहीं है, मतलब पेडिग्री ये वो नहीं करती कि आपका जो पेट है, ये गारंटी नहीं करती कि आपका पेट जो है वो सारी जिंदगी हेल्दी रहेगा, उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे इवेंचुअली, वो भी एक डॉग है, उसने बस उसका एक फैमिली ट्री डिफाइन किया हुआ है। इवन नॉन पेडिग्री डॉग्स जो हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं, पेडिग्री से ज़्यादा अच्छी हेल्थ पकड़ते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। उनके डॉक्यूमेंट्स हम मतलब बाद में बनवा सकते हैं आफ्टर बर्थ, अगर आपको उनकी फैमिली हिस्ट्री पता है तो आप जिस कैनल से आपने लिया है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये हम असिस्ट कर दें। कुछ एसोसिएशन हैं पाकिस्तान में, अच्छी एसोसिएशन हैं जो काम कर रही हैं, बहुत सारी एसोसिएशन हैं, लेकिन उनमें से दो तीन हैं जो कि बड़े नाम हैं, तो आप उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। बट ये ऑलवेज यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विथ योर ब्रीडर कैनल, और जो भी आप ले रहे हैं वो ट्रस्टेबल सोर्स से लें, तो ये सारे आपको मसले नहीं होंगे, चाहे आप नॉन पैड ले रहे हो चाहे आप पेडिग्री ले रहे हो। जी जनाब व्यूअर्स, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आपको पता चला होगा कि जर्मन शेफर्ड्स आखिर होते क्या हैं, किस तरह आप उनको पाल सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग जर्मन शेफर्ड ज़रूर पालेंगे और ज़रूर अपने घरों में इसको एज अ पेट ज़रूर रखेंगे। अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा मिलेंगे एक नए ब्रीड के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू।